दिस इज मनीष पाठक फ्रॉम गुरुकुल पोइसर। आज हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। An equation is said to be linear equation in two variable if it is written in the form of ax plus by plus c equals to zero। कोई भी equation को linear equation तभी कहा जाता है जब वो इस form में हो, ax plus by plus c equals to zero, जहां पे a, b and c जो है वो real numbers होने चाहिए और उसके coefficient a x और y के कोएफिशिएंट जो कि a और b है वो इक्वल टू जीरो के नहीं होने चाहिए, जीरो के बराबर वो नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। चलिए फिर हम देखते हैं सम कैसे सॉल्व करना है। और ये बोर्ड पे हमारे दो इक्वेशन हैं, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे और x और y का वैल्यू इसके सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो लिख लेते हैं पहला इक्वेशन जो कि 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस y बराबर 2k। यहां हमें दो नंबर दिए गए, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और यहां पे 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। हमें x या y में से कोई एक चीज एलिमिनेट करनी होगी, तो ये एलिमिनेशन कैसे होगा, हमें ऊपर और नीचे अलग अलग साइन चाहिए और सेम नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे तो सेम साइन है, प्लस प्लस है और यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो हम अगर ये y को 3y के बराबर कर दे तो ये हमारा हो जाएगा। इसको 3y के बराबर करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 2 में। तो पहला इक्वेशन वैसे का वैसे लिख देंगे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 3s are 9x प्लस 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y बराबर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा और 9 प्लस 5 14x इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14। अब x इक्वल्स टू 14, ये मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 1। अब ये x इक्वल्स टू 1 अगर हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो यहां लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of x equals to 1 in equation 1। हमारा equation 1 है 5x minus 3y equals to 8, 5 x के जगह पे हम 1 रख देंगे, minus 3y equals to 8, 5 1 जब 5 minus 3y equals to 8, minus 3y equals to 8, अब ये plus 5 वहां चला जाएगा तो minus 5 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 3, y इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारा सॉल्यूशन है ये इक्वेशन का x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। तो चलिए अभी दूसरे सम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ऊपर भी पॉजिटिव में नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, अगर हम सब्रैक्ट कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और जब भी सब्रैक्शन करते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है नीचे के इक्वेशन का। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब 3a माइनस 8 2a प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल हो जाएगा और 26 माइनस 22 4 हो जाएगा।
अब a इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, तो a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब ये a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे इक्वेशन 1 में रख के देखता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन 1 है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, 3a के जगह पे हम 2 रख देंगे प्लस 5b इक्वल्स टू 26, 3 2 जा 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 26, 5b इक्वल्स टू 26 प्लस 6 वहां पे जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, 5b इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, b इक्वल्स टू 5 1 5 5 4 20, b इक्वल्स टू 4। तो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 4। ये कुछ सम दिए गए हुए हैं बोर्ड पे, इन्हें आप सॉल्व करना, अगर ना आए तो कमेंट के थ्रू मेरे पास आना, मैं अगले नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारे डाउट आपके क्लियर कर दूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम स्टे सेफ।